आवाज आ रही क्या? हेलो, हेलो, हेलो हेलो। ऐसा लग रहा है कि मैं सब चैनल वैनल समाप्त कर दूं और चुपचाप घर में बैठूं। ठीक है, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ दिन तक जो है मैं बंद कर दूं। ठीक है, मेरा तकदीर, मेरा काम में परफेक्शन नहीं है। ठीक है, मेरे साथ जो है तकदीर साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, मेरे को बहुत टेंशन लग रहा है। ठीक है, कुछ दिन से मैं बहुत प्रॉब्लम में जी रहा हूं। ठीक है, ये प्रकृति, परिवार और मेरी किस्मत, ठीक है, मुझे लगता है कि ये साथ नहीं दे रहा है। और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों? ठीक है, मेरा प्रॉब्लम है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टोटल मैं बंद कर दूं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, देखिएगा, लाइट आया, चालू किया, फिर बुक बाक किया, फिर मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। अरे यार, मुझे तो ऐसे में तो बहुत माइंड टेंशन हो जाता है। ठीक है, सच में ऐसा लगता है कि मेरे साथ में जो है ठीक नहीं हो रहा है, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। इतना दिन रात मेहनत करता हूं। ठीक है, 5 मिनट का काम था, सुबह से इलेक्ट्रिसिटी वाले को हमने लगाया है, अभी मैं चमकाया हूं तो अभी तत्काल आया है। यही काम को मैं सुबह कर लेता, डांट फटकारता, यानी कि प्यार की बात कोई सुनता ही नहीं है भाई। क्या बात है ये, समझ नहीं आ रही दुनिया कहां चली जा रही है। एक आम नागरिक के नाते रिक्वेस्ट किया, सुबह से 10 बजे से लेकर जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, और बताइए, अभी अभी जो है मैंने कहा कि देखिए, आपका शिकायत करो या मुझे कंप्लेन करना पड़ेगा, या कंज्यूमर फोरम जाना पड़ेगा, या यूट्यूब चैनल बनाकर दूं, या फेसबुक में वायरल कर दूं, तब जाकर जो है 10 मिनट में भेज दिया, बना दिया। वो ठीक है, बन गया, लाइट चालू हो गया, इंटरनेट चालू हो गया। ठीक है, और मैं टेबल को इधर इधर किया था, उसके बाद में उसको लाया तो वो स्विच ऑफ हो गया। है किस्मत। किसी ने कहा है बंद कर दो? किसी ने कहा कि चैनल बंद कर दो? इसी में से ही किसी ने कहा कि सर चैनल बंद कर दीजिए। दिमाग खराब हो जाएगा ना भाई। आप देखिएगा, 9 बजे का अनअकैडमी का क्लास, लॉ का क्लास जो है मैंने पोस्टपोन कर दिया, उसको मैं 21 मई को कर दिया। कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। अभी 6 बजे पढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है प्रॉब्लम हुआ। खैर कोई बात नहीं, चलिए यहां पर हम जो है स्टार्ट करते हैं। लोक विकास और पर्यावरण, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, कुछ आवाज, आवाज तो क्लियर है? मैं सबको मोटिवेट करता हूं, आज मुझे मोटिवेट करने की जरूरत है। ठीक है, आज मोटिवेट करने की जरूरत है। मैं दिन भर मेहनत किया हूं, सच बता रहा हूं। मैं दिन भर पीपीटी बनाया हूं, चार चार पांच पांच पीपीटी बनाया हूं, और लास्ट में प्रकृति ने मेरे साथ में धोखा किया। सबका इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, केवल मेरा इलेक्ट्रिसिटी बंद है। बताइए सबका। यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, महान भारतीय सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया कहां पाई जाती है? राजस्थान के थार रेगिस्तान में, भारत के तटीय क्षेत्र में,
या फिर मालाबार तट में या डेल्टा क्षेत्र में। महान भारतीय सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया कहां पाई जाती है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन, ठीक है, शायद आप लोगों को पता होगा, ठीक है, पता। सच बता रहा हूं मैं, आज दिन भर परेशान हो गया, एक तो पेट के मारे परेशान, पता नहीं क्या सब्जी बनाई थी, वो अपच हो गया, वो पच नहीं पाया, वो एक अलग परेशानी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने से एक परेशानी ये, ठीक है, और आज दिन को सो भी नहीं पाया, एक घंटा सोता हूं उसमें भी सो नहीं पाया, आज दिन टोटल बेकार चला गया है, यानी कि 5 तारीख से मेरा दिन जो है खराब जा रहा है, 5 तारीख, 6 तारीख, आज 7 तारीख, 3 दिन मैं जो है बहुत परेशान हूं, ठीक है, पता नहीं कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है, मैं यार व्यवस्था कर सकता हूं, आप लोग बोलोगे मैं एक लैपटॉप नया खरीद सकता हूं, ठीक है, आप लोग बोलोगे इंटरनेट अलग लगा सकता हूं, बताओ ना भाई मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। आज पूरा गर्म पानी ही पी रहा हूं अनिल, तो चलिए इसका सही आंसर है, ए आंसर सही है दोस्तों, ठीक है, अब ठीक आया है, और मैं अभी एक वीडियो बनाया हूं, अपलोड हो रहा है, ठीक है, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, मैं सारे दुनिया को मोटिवेट करता हूं, आज मुझे मोटिवेट करना पड़ रहा है, कभी गाड़ी कभी नाव में, तो नाव कभी गाड़ी में कहा जाता है, कभी नाव गाड़ी में तो कभी गाड़ी नाव में, ठीक है, समय समय के ऊपर फेर है, कभी स्टूडेंट भी जो है टीचर को समझाता है, ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे समझाए, ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आराम नहीं कर सकता बेटा, आराम करूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, देखिएगा ये है एक्चुअली, ये है शुतुरमुर्ग की तरह जो है यहां पर, देखिएगा ये जो है यहां पर जो है, ये देखिएगा ये चिड़िया का है, ये चिड़िया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये वही चिड़िया है, ठीक है, शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है, ये शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है दोस्तों, ये रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है ये, एक बड़े आकार का पक्षी है जो भारत के राजस्थान और सीमावर्ती पाकिस्तान में पाया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक वजनी पक्षी है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक वजनी पक्षी है और यह उड़ता भी है, बड़े आकार के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है, यह राजस्थान का राज्य पक्षी है, ध्यान दीजिएगा, यह राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, सोहन चिड़िया, हुकुना और गुड़ायन आदि इसके अन्य नाम है, इसको जो है सोहन चिड़िया भी बोलते हैं, सोहन चिड़िया, हुकना भी कहते हैं और गुराइन भी कहते हैं, गुराइन भी कहते हैं, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और उसका नाम है गोदावर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि सोहन चिड़िया, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में अवस्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान में, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये चिड़िया जो है, मुझे पता है, ठीक है, ये चिड़िया आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सच में, ठीक है, ये चिड़िया जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं उसमें जो है चिपक गया हूं, चिड़िया को दिखा नहीं पा रहा हूं, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में ये सबसे घटती संख्या को जो है यहां पर प्रजनन काल में सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क, ये 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला इस पार्क में बाड़मेर के 53 और जैसलमेर के 35 गांव शामिल है, ये जैसलमेर और बाड़मेर ये जो है राजस्थान का सबसे बड़ा ठीक है, सबसे बड़ा जो है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, और कभी मैं इसका जो है चित्र दिखा दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान
ये गोड़ावड़ भी बोलते हैं इसको, जो है गोड़ावड़, गोड़ावड़ के नाम से इसको जाना जाता है। गोड़ावड़ का मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और शुतुरमुर्ग की तरह दिखने वाला एक भारतीय पक्षी है जो किसी राज्य का राज्य का है, राज्य पक्षी भी माना जाता है, तो इसी को आपको जो है टिक लगाना है। आइए, ये चित्र हमने दे दिया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, चित्र को यहां दिखा दिया दोस्तों, इसका जो है फोटो भी देख लीजिए आप लोग जो है, ठीक है। ये इस पार्क में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, याद रखिएगा, यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक है। और इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1980-81 में की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में गोड़ावर पक्षी इसी उद्यान में पाए जाते हैं। ये गोड़ावर पक्षी के नाम से जानते हैं दोस्तों, राजस्थान वाले जो है गोड़ावर पक्षी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इस अभयारण्य क्षेत्र को गोड़ावर की शरण स्थली भी कहा जाता है, गोड़ावर की शरण स्थली भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस अभयारण्य को जो है, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क है, कहां का? राजस्थान का। और गोड़ावर की शरण स्थली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा जा चुका है, आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और राजस्थान के पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आपके यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। सबसे प्रसिद्ध चिड़िया है, ठीक है, वेरी गुड। यहां पर देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए, किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है ये भी बताइएगा, सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान, शायद आप लोगों को पता होगा, सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। यहां पर पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र को जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इकोसिस्टम को जो है, इकोसिस्टम बोलते हैं इसको दोस्तों, इकोसिस्टम, ठीक है। ये इकोसिस्टम को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है, प्रिजर्व करने के लिए जो है, सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान का जो है यहां पर स्थापना किया गया था, शायद आप लोगों को पता होगा। यदि यहां के आसपास के लोग होंगे, कश्मीर के एरिया में होंगे, तो ये एवरेस्ट पर्वत का है दोस्तों, ये एवरेस्ट पर्वत का जो है, एवरेस्ट पर्वत में सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया है। और पर्वतीय शिखर में जो है इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, इकोसिस्टम को जो है संरक्षित करने के लिए जो है सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया है। देखिएगा, ये है चित्र, मैं आपको चित्र के माध्यम से भी बता रहा हूं। ये देखिएगा, ये जो है आपका जो है ये उद्यान है, देखिएगा यहां पर जो है ये इंडिया है, यहां पर नेपाल, चाइना, ठीक है, ये सब जगह पर है, ये माउंट एवरेस्ट पर, यहां पर जो है काठमांडू, ये जितने भी शिखर एरिया है, जितने भी शिखर एरिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो है राष्ट्रीय पार्क इस तरह से दिखाई देता है। ये यहां का जो है सागर मंथन नेशनल पार्क है, ये सागर मंथन जो है, ये समुद्र, ये आपके जो है ऊंची चोटी में, हिमालय के जो ऊंची चोटी है, एवरेस्ट है, वहां पर माउंट एवरेस्ट है, उस माउंट एवरेस्ट के एरिया को जो है यहां पर पार्क घोषित किया गया है, नेशनल पार्क घोषित किया गया है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग होंगे तो जानते होंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक कज्जल कालिक किससे निकलता है, यानी कि सूट, सूट 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 कहते हैं, सूट आप जानते होंगे, काली जो है, कज्जल, कज्जल जो है सूट कहा जा रहा है, सूट, और या फिर कज्जल या फिर कालिक,
या जो है तीनों चीजें जो है किससे निकलता है, ठीक है, या कि थर्मल पावर प्लांट, सीएनजी व्हीकल्स में, पेट्रोल व्हीकल्स में, डीजल व्हीकल्स में, किसमें मिलता है बताइए, किसमें ज्यादा पाया जाता है, किसमें ज्यादा निकलता है, आप लोग जो है सही आंसर दीजिएगा, ठीक है, इसका सही आंसर जो है जल्दी से दीजिएगा, इसका सही आंसर है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये थर्मल पावर प्लांट है, ये हमने यहां पर बता दिया है, ये थर्मल पावर प्लांट से मिलता है, निकलता है, याद रखिएगा, कज्जल कालिक आप कह सकते हो, कार्बन कह सकते हो दोस्तों, ये कार्बन ही है, कार्बन है, ये कार्बन जो है सबसे ज्यादा निकलता है थर्मल पावर प्लांट में, ये देखिएगा सबसे ज्यादा निकलता है, और देखिए आसमान कैसा हो गया है, ये यहां पर आसमान को देखिए आप लोग, ये थर्मल पावर प्लांट को जो है उसके बाद में आप जो है आसमान को भी देखिएगा, पूरे आसमान जो है इस तरह से छा गया है, ऐसा लगता है जैसे कि ये बादल है दोस्तों, ये बादल नहीं है, थर्मल पावर प्लांट का जो है ये वो कार्बनिक यौगिक है जो चारों तरफ आपका जो है इसी तरह से दिखाई देता है, थोड़ा मोड़ा थोड़ी है, पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल में इतना नहीं होगा, ठीक है, जितना जो है यहां पर थर्मल पावर प्लांट में होता है। इस चित्र के बादल को देखिए कैसा हो गया है दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे कि नया बादल जो है उभर रहा है, बारिश होने वाली है दोस्तों, इसको जो है आपको समझने की जरूरत है, आज पर्यावरण को संरक्षित करने की जरूरत है। सतही ओजन किससे उत्पन्न होती है, सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है, सरफेस ओजोन जो है किससे होती है, याद रखिएगा, सतह यानी कि यहां पर जो है स्पेस में नहीं सरफेस में, यानी कि धरती लोक में ओजोन का जो है उत्पन्न किससे होती है, ओजोन जो है वो वहां पर आपका जो है स्पेस पर नहीं, जहां पर ओजोन परत हमारे काम का है, यहां पर सतही यानी कि सरफेस यानी कि धरती लोक में ओजोन किससे जो है उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है दोस्तों, शायद आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे ए और डी को कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ओजोन जो है सबसे ज्यादा जो है उत्पन्न होती है परिवहन क्षेत्र में, यानी कि हमारे बाइक में, कार में, ट्रक में, याद रखेगा, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर जितने भी हैं, ये परिवहन क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है उत्पन्न होता है सतही ओजोन जो है, याद रखिएगा, ये आंसर सही है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति निर्भयता के साथ में दोहन किया जा सकता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, याद रखिएगा, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययता के साथ में दोहन किया जा सकता है, सौर, पवन, भूतापी या समुद्री तापी ऊर्जा सब परिवर्तन, ये सभी जानते होंगे शायद, मुझे लगता है हम भी जा रहे हैं बेटा, चांद भी हम भी जा रहे हैं बेटा, ठीक है, ये लास्ट खत्म हो गया, आज तो 9 बजे क्लास नहीं होगा, हम जो है डेट को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा काम जो है निपट नहीं रहा है। ये सौर ऊर्जा है सोलर प्लांट से जो है, आप सोलर प्लांट का जो है अच्छे से दोहन करेंगे तो हम जो है इसमें मितव्ययता स्थापित कर सकते हैं, हर कोई जो है हर स्थान पर जो है सोलर पैनल जो है लगा सकता है, हर कोई लगा सकता है दोस्तों सोलर पैनल लगाना, इसके लिए यहां पर जगह की कमी नहीं है, केवल आपको जो है सोच विचार की जरूरत है, इसमें अभी जो खर्चा हो रहा है उस खर्चा को कम करने की जरूरत है, मितव्ययता के साथ में दोहन किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए, ये देखिए छठवां क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है, भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है,
नेचुरल डिजास्टर जो होती है सबसे ज्यादा जो हमारा जो है नेचुरल डिजास्टर है किसमें होती है, जरा बताएं, जरा सा जो है जरा सा बताएं किसमें होती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन या ज्वालामुखी, कौन सी ज्यादा होती है? बाढ़, वेरी गुड। आप लोग जानते हैं और बिहार की बाढ़ को कौन नहीं जानता, बिहार की बाढ़ को जो है कौन भूला है बताइए। बिहार में जो है जो बाढ़ आती है और जिसको हम लोग जो है कहते हैं कि भैया ये तो जान लेगा ये बाढ़ जो है, कौन सी नदी आप सभी जानते हैं, ठीक है, इतनी खतरनाक बाढ़ जो है हमने जो है कभी और दूसरे नदी का नहीं सुनते हैं दोस्तों। बिहार की बाढ़ जो है लोग दहशत में आ जाते हैं, ठीक है, तो आप सभी को जानते होंगे, ठीक है, बिहार की बाढ़ अभी आपको याद होगा, ठीक है, बड़ा खतरनाक बाढ़ है दोस्तों, ठीक है, और आप सभी जानते हैं कौन से नदी में होता है, ठीक है, जहां पर जो है जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम ही जो है बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, कोसी नदी जो है, कोसी नदी जो है, जो कोसी नदी के तट पर रहता है वो जानता है बरसात में जो है, बरसात की जो स्थिति वो जानता है दोस्तों, बाढ़ से जो है, ठीक है दोस्तों। ये थी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने कोशिश किया है लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन को हम जो है ईयर वाइज समझाएं। हम यहां पर ईयर वाइज यहां पर जानकारी दे रहा है, दिसंबर 2009 का आ गए हैं हम जो है, ठीक है, दिसंबर 2009 अभी हमारा खत्म होने वाला है, जब हायर एजुकेशन कल खत्म हो जाएगा तो दिसंबर 2009 खत्म हो जाएगा और फिर जो है जून 2010 आएंगी, और अभी आपका एग्जामिनेशन होना नहीं है, पोस्टपोन हो गया है और डेट भी आ गया है, और यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से डेट में एग्जामिनेशन होगी, अभी एक वीडियो अपलोड हो रहा है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों, अभी एक वीडियो अपलोड हो रही है कि एग्जामिनेशन कब होगी और उस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अभी तत्काल एक वीडियो जो है शेयर होने जा रहा है दोस्तों, जल्दी शेयर होने जा रहा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा।